दोस्तों अगर आप भी मुंबई इंडियंस के फैन हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों आईपीएल का सीजन बहुत ही कम समय में शुरू होने जा रहा है। जी हां, आपको बता दें कि ऐसे में प्रत्येक टीम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए तैयार है। हम बात करने जा रहे हैं मुंबई इंडियंस के प्लेइंग 11 की। दोस्तों हम आपको इस वीडियो में ये तो बताएंगे ही कि मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11 यानी कि संभावित प्लेइंग 11 क्या हो सकती है, जिसमें मुंबई इंडियंस की टीम सभी को धूल चटा देगी और आईपीएल का अपना छठवां खिताब जीतेगी। दोस्तों अब इस वीडियो में ये तो जानेंगे ही कि क्या रहने वाली है आईपीएल की नंबर वन टीम मुंबई की प्लेइंग 11। लेकिन उससे पहले आप सभी ये बताइए कि मुंबई इंडियंस और सीएसके में कौन है बेहतरीन टीम, इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों वैसे तो मुंबई इंडियंस की टीम हर साल बहुत ही ताबड़तोड़ और शानदार प्रदर्शन करती है, लेकिन इस बार मुंबई इंडियंस की टीम में कुछ बदलाव किए गए हैं और देश और दुनिया में से और भी ज्यादा विस्फोटक बल्लेबाज उन्होंने अपनी टीम में शामिल किए हैं और टीम को और भी मजबूत बना दिया है। दोस्तों अगर हम मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11 की बात करें तो सबसे पहले ओपनर बल्लेबाज रोहित शर्मा और ईशान किशन होंगे। दोस्तों आपको बता दें कि ईशान किशन को मुंबई इंडियंस ने 15.25 करोड़ रुपए में अपनी टीम में शामिल किया है, जो कि आईपीएल 2022 में सबसे बड़ी बोली है। ईशान किशन की टॉप फॉर्म को देखते हुए सभी टीमों ने उनके ऊपर दांव खेला है, परंतु मुंबई इंडियंस घर से तय करके आई थी कि ईशान किशन को मुंबई इंडियंस में ही रखना है। तो दोस्तों ईशान किशन और रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस के ओपनर होंगे और दोस्तों आपको बता दें कि 2013 से रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस के कप्तान है और अपनी जबरदस्त बल्लेबाजी से उन्होंने मुंबई इंडियंस को कई बार चैंपियन बनाया। मुंबई इंडियंस की ओपनिंग बहुत ही जबरदस्त होने वाली है। वहीं हम तीसरे नंबर के खिलाड़ी की बात करें तो वो होने वाले हैं सूर्य कुमार यादव। दोस्तों आपको बता दें कि सूर्य कुमार यादव बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। हाल ही में हुए वेस्ट इंडीज और श्रीलंका के खिलाफ भी उन्होंने बहुत अच्छे स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं और अब मुंबई के खेमे में जुड़ चुके हैं। दोस्तों आपको बता दें कि सूर्य कुमार यादव मुंबई इंडियंस के साथ काफी लंबे समय से जुड़े हुए हैं और काफी अच्छा प्रदर्शन भी उन्होंने करके दिखाया। तो दोस्तों मुंबई की ये तिकड़ी मुंबई इंडियंस को बड़ा लक्ष्य खड़ा करने में बहुत ही कारगर साबित होगी। वहीं अगर चौथे नंबर के खिलाड़ी की बात करें तो वो होंगे देवाल्ट ब्रेविस। दोस्तों आपको बता दें कि देवाल्ट ब्रेविस साउथ अफ्रीका के बहुत ही शानदार प्लेयर हैं। इन्होंने अंडर 19 वर्ल्ड कप प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब जीता है और ये बेबी एवी के नाम से प्रसिद्ध हैं। अगर हम पांचवें नंबर के खिलाड़ी की बात करें तो वो होने वाले हैं कारण पोलार्ड। दोस्तों कारण पोलार्ड एक बहुत ही शानदार तथा बड़े हिट के लिए जाने जाने वाले खिलाड़ी हैं। ये अच्छे अच्छे बॉलरों को धूल चटा देते हैं और कमाल की बात तो ये है कि ये कमाल की बल्लेबाजी करते हैं और कारण पोलार्ड मुंबई इंडियंस के लिए फिनिशर का रोल निभाएंगे, जो कि मुंबई इंडियंस के लिए बहुत ही ज्यादा बड़ी खुशखबरी है। इसी के साथ ही दोस्तों हम अगर छठवें नंबर की बात करें तो छठवें नंबर पर जो खिलाड़ी होंगे वो होंगे टिम डेविड। और दोस्तों आपको बता दें कि टिम डेविड सिंगापुर के खिलाड़ी हैं और ये भी अपने लंबे लंबे छक्कों तथा खूबसूरत बैटिंग स्टाइल के लिए पूरी दुनिया में मशहूर हैं। हाल ही में हुए पाकिस्तान सुपर लीग में टिम डेविड ने कई मैच विनिंग पारियां खेली हैं और काफी लंबे लंबे छक्के लगाए। मुंबई इंडियंस की इस खिलाड़ी पर नजर थी और मुंबई इंडियंस ने आईपीएल ऑक्शन में टिम डेविड को एक अच्छी रकम देकर अपनी खेमे में शामिल कर लिया। और दोस्तों मुंबई इंडियंस के लिए टिम डेविड बहुत ही कारगर साबित होने वाले हैं। और इसी के साथ ही दोस्तों अगर हम सातवें नंबर की बात करें तो मुंबई इंडियंस संजय, जो कि एक भारतीय युवा खिलाड़ी हैं, उनको मौका दे सकती है। ये बहुत ही अच्छे ऑलराउंडर साबित हो सकते हैं। और इसी के साथ ही यदि हम आठवें नंबर के खिलाड़ी की बात करें तो मुंबई इंडियंस मुरुगन अश्विन या फिर मयंक मारकंडे को मौका दे सकती है। मयंक मारकंडे मुंबई इंडियंस के साथ पहले भी जुड़ चुके हैं। और वहीं दोस्तों नौवें नंबर के खिलाड़ी की बात की जाए तो जयदेव उनादकट इस टीम का हिस्सा होंगे। और वहीं अगर हम दसवें नंबर की बात करें तो दसवें नंबर पर टाइमल मिल अपने बल्लेबाजी से मुश्किल में डाल सकते हैं सामने वाली टीम को। और यदि हम 11वें नंबर पर बात करें तो आखिरी खिलाड़ी होंगे वो और दुनिया के सबसे बेहतरीन गेंदबाज हैं वो, और आपको बता दें कि वो जसप्रीत बुमराह हैं। दोस्तों हम आपको बता दें कि जसप्रीत बुमराह को मुंबई इंडियंस ने आईपीएल ऑक्शन के पहले ही रिटेन कर लिया था, क्योंकि जसप्रीत बुमराह ने मुंबई इंडियंस को 5 बार चैंपियन बनाने में बहुत मदद की है और अपनी शानदार यॉर्कर से वो बल्लेबाजों के होश उड़ा सकते थे। दोस्तों अगर हम मुंबई इंडियंस के सभी खिलाड़ियों को देखें तो एक शानदार टीम नजर आती है। और दोस्तों आपको क्या लगता है कि मुंबई इंडियंस इस बार ट्रॉफी उठा पाएगी या फिर नहीं, इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।